नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट इसके दो पार्ट हैं। हेल्थ को मैंने आपको बताया जो सेक्शन 11 से 20 तक है। हेल्थ का दूसरा पार्ट है लेबर सेफ्टी, क्योंकि लेबर की सुरक्षा होना अनिवार्य है। इसके संबंध में इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है, उसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो को देख बताया है, आप लिंक बाक में जाके देख सकते हैं। आज हम आपको सेफ्टी को 21 टू सेक्शन 41 के बीच में एक एक पॉइंट करके अलग अलग आपको बताई जाएंगी। फर्स्ट है फिनिशिंग मशीनरी ऑफ द सेक्शन 21। जो भी आपको फैक्ट्री में मशीनी होंगी, वो मशीनें जो भी स्वचालित मशीनें होंगी, एक निश्चित बाउंड्री के अंतर्गत उनको निर्माण किया जाएगा, वो फिक्स एंड परमानेंट होगी। इन हेड एंड टेल ऑफ रेस एनी स्टॉक बार एवरी ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटेड मशीन एवरी पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द मशीनरी एवरी डेंजरस ऑफ द पार्ट इन नो ओपन। को भी जो भी डेंजरस पार्ट्स उसके रहेंगे वो ओपन नहीं रहेंगे, लेबर उसके नजदीक नहीं पहुंचे रहेंगे। मशीनरी और लेबर के बीच में एक निश्चित फिनिशिंग की गैप होना अनिवार्य है। सेकंड आपको कहता है मशीन वाइल इन मोटेशन सेक्शन 22। सेक्शन वाइलिंग मशीन के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, गतिमान यंत्र जो भी ऐसे भी मशीनें होती हैं जो 24 आवर्स हमेशा वर्क करती रहती हैं, स्पेशल इनको चलाने के लिए ट्रेड एंड एडल्ट पर्सन ट्रेनिंग पर्सन ट्रेन्ड पर्सन जो उसको चलाने में उसके लिए स्पेशलाइजेशन जो कोर्स हो, ट्रेन पर्सन और 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति की ही नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे अगर कोई मशीनें डेंजरस है तो नो अपॉइंटमेंट ऑफ द फीमेल, फीमेल की आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती है। मूविंग ऑफ द मशीन क्लीन गैस एंड एडजस्टिंग एंड सर्विस टाइम टू टाइम, ऐसी मशीनों की सर्विस हमेशा समय समय पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई समय से इनकी सर्विस की कार्य नहीं हुई, जैसे मोबिल है इत्यादि सारी चीजों, तो इससे अत्यधिक मशीनों को नुकसान होती है। नेक्स्ट आपको बताएंगे एम्प्लॉयमेंट यंग पर्सन एंड डेंजरस पर्सन इन द मशीन ऑफ द सेक्शन 23। खतरनाक जो भी मशीनें हैं वहां पर किसी यंग पर्सन की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती है। ट्रेंड पर्सन नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन इन अपॉइंटमेंट ऑफ द मशीनरी। नेक्स्ट सूटेबल फॉर द कटिंग ऑफ द पावर सेक्शन 24 के अंतर्गत सूटेबल एग्रीमेंट, इस प्रकार की जो मशीनें होती हैं, जैसे जिसमें किसी भी मशीनों को आप चलाते हैं तो बड़ी मशीनें हो, स्विच ऑन और ऑफ करने का पावर दिया गया, एनी हाउ रीजन अगर वो हमारे स्विच खराब होते हैं तो मशीन में थर्ड ऑप्शन ऐसा दिया जा सकता है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट मशीन को बंद कर सकते हैं। इसके लिए इमरजेंसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे फायर में आपको इमरजेंसी व्यवस्था की जा सकती, जैसे कुछ इंजन वगैरह मशीन होते हैं, छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि हम इन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई से ऑन ऑफ सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खराब होती तो मशीन में एक पार्ट होता है जिसे हम प्रेस करते हैं और वो मशीन बंद हो जाती है, इसकी ट्रेन पर्सन की जानकारी होना अनिवार्य है। सेल्फ एक्टिंग मशीन एक्ट 25। सेल्फ एक्टिंग मशीन जो मशीनें स्वचालित अपने से चलती रहे लेकिन लेबर एंड पर्सन फॉर इन गैप ऑफ द 45 सेंटीमीटर, लेबर उसके नजदीक ना पहुंचे, क्योंकि उस स्वचालित मशीनों में जाने पर उसे चोट लगने हेल्थ की डेंजरस प्रॉब्लम होगी, इसलिए इंस्पेक्टर आकर के ऐसी मशीनों और लेबर से बार बार इंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज में यह कहता है कि उनकी गैप 45 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं। नेक्स्ट कैसिंग ऑफ द न्यू मशीन कैसिंग ऑफ द सेक्शन 26। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी मशीनें ट्रकों से लग के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको बाहर से आती हैं, लेकिन मशीनें ढकी होनी चाहिए,
उनके राइवल चैन ऑफ द सिस्टम हमेशा बेल्ट से बधे होते हैं। मे बी कि अगर मशीनों को ऊपर से लादने ले जाने या खड़ा करने में कहीं है कोई उसको चला दिया तो किसी के हाथ पैर या कोई उसको देखने ही लगे तो क्योंकि वह स्वतः चलने लगती है इससे नुकसान है। इसलिए उनके ऑटोमेटिक व्हील्स ऑफ जो चैन टाइप व्हील्स बड़े बड़े पहिए होते हैं उनको अलग से बेल्ट के माध्यम से बाउंड्री टाइप बांध कर रखा जाता है, कोई इसको चलाने से वो चीजें चल नहीं सकती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 27 प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द वोमेन एंड चिल्ड्रन। कुछ वर्कर में महिलाओं और बच्चों को हम सर्विस में नहीं लगा सकते, जैसे कॉटन मिल्स ऑफ रुई की ऐसे कॉटन कपास की मिले होती है जिस फैक्ट्री के प्रोडक्शन में प्रोविजन प्रतिबंधित किया जाता है फीमेल या 18 बिलो वर्कर को हम वहां पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उससे डस्ट उनको सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। यदि उनको अपॉइंटमेंट आप करते भी हैं तो इन ऑफिस वर्कर या एंड अदर्स वर्कर प्रोडक्शन छोड़ के अदर्स कार्यों में आप वहां पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 28 हेस्ट एंड लिफ्टिंग। जो भी मशीनें ऊपर लिफ्टिंग मीन्स बड़ी बड़ी मशीनें क्रेन टाइप की होती है जिस पर ऊपर चढ़ाते हैं नीचे उतारते हैं, समय समय पर इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया कि वो चैन सिस्टम ऊपर उठाने ले जाने क्रेशर मशीनों की बार बार ग्रीसिंग ऑयल और चैन बराबर जांच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनकी जांच न करें, मशीनें उठने से समय अगर कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो टूट जाती है तो गिरने से नीचे के लेवर दब जाते हैं जिससे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है लिफ्टिंग मशीन चैन रोप्स एंड द लिफ्टिंग ट्रैकल्स। वजन उठाने के लिए जंजीर रस्सी और भारी बोझ उठाने वाले यंत्र का गुड कंस्ट्रक्शन पावर एंड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम इन द कंपनी टाइम टू टाइम इन मशीनों की कंपनी में आके इंस्पेक्टर जांच करता है। इस जांच में लिफ्टिंग मशीन क्रेन क्लब्स पुल ब्लॉक जनरेटर ट्रांसपोर्टर ईटीसी। नेक्स्ट है सेक्शन 30 प्रोसेस ऑफ द ग्राइंडिंग रिवॉल्विंग ऑफ द मशीन। घूमने वाली जो मशीनें हो लाइट पावर वाली जो मशीनें हो जिस स्पेस पर ये लगता कि यहां डेंजरस है उस वहां पर डेंजरस की नोटिस बोर्ड चस्पा हो जाती है कि इसके बाद यदि आप कोई कार्य करेंगे तो वहां आपको लॉस उठाना पड़ेगा। सेफ वर्कर प्रूसमेंट एक्ट 31 एनी पार्ट ऑफ द मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द प्रोसेस प्रेशर ऑफ द प्लांट के अंतर्गत अगर कोई भी वर्कर के सेफ्टी एग्जामिनेशन का टोटल ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे सेक्शन 32 साउंड कंस्ट्रक्शन फोल्ड स्टेयर स्टेप पैसेज एंड गैंगवे स्टेशन। फैक्ट्री में निर्माण होने वाली सीढ़ियों उसके साथ उनकी गलियारों आने जाने की रास्ता कंस्ट्रक्शन इन साउंड ऑफ द पोजीशन इस प्रकार से निर्माण होने चाहिए कि मजबूत और सुरक्षित हो, इसमें किसी भी प्रकार के लेबर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम न हो। हाइट ऑफ द वर्क 4.2 एबव होनी चाहिए। स्टेप ऑफ दी जो सीढ़ियों की स्टेप बनती है वो मिनिमम कि सभी लेबर आसानी से कई बार आना जाना अगर हो तो उन्हें थकावट महसूस न हो। नेक्स्ट है आपके लिए पीट से पंप टैंक सिक्योर कंसर्न। किसी भी फैक्ट्री में जो बड़े बड़े गड्ढे जैसे लैट्रिन पार्ट वगैरह के गड्ढे बनते हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं ऐसे गड्ढों को सेफ सिक्योर मतलब ढक करके रखना चाहिए, इसमें ऐसी खुली चीजें ना हो कि किसी भी प्रकार के कोई लेबर उसमें जाते हो और उसमें उनको किसी भी प्रकार की चोट नुकसान होती है। इसमें इंस्पेक्टर बार बार ऑर्डर दे सकता है उन्हें ढकने और इन्हें किसी प्रकार का नुकसान न होने के विषय में कह सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 34 एक्सक्यूसिव ऑफ द वेट। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई वेट उठाता है कैरिंग ऑफ ले जाता है तो उस व्यक्ति को उठाने की क्षमता मेडिकल सर्जन द्वारा ये डिपेंड करनी चाहिए। जितनी कैपेसिटी हो अगर वो 30 किलो कैपेसिटी उठा सकता है तो 30 किलो देना चाहिए,
अगर उसे 50-80 किलो की वजन आप उठाएंगे तो उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 35, प्रोटेक्शन ऑफ आई, आंखों की सुरक्षा। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्शन, इन वेल्डिंग ऑफ द मशीन, जो आपके सामने दिया है, आयरन फैक्ट्री, कोल फैक्ट्रीज एंड अदर माइंस फैक्ट्रीज में, जहां भी कोई भी चीजें गला के, जैसे आपके ग्लासेस फैक्ट्रियां हैं, यहां पर कोई भी चीजें गलाई जाती है तो टेम्परेचर अधिक होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देखने पर उसकी कोई भी छोटे से माइनर चीजें अगर हमारी आंख पर चली जाती है, बहुत नुकसान हो सकता है, हमारी रोशनी चली जा सकती है। इसलिए उसके लिए आपने देखा है अलग से गॉगल्स की व्यवस्था है, वो लगाई जाए, या मास्क सहित बड़े बड़े चश्मे आते हैं उस टाइप का आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 36, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स ऑफ द गैस, जोखिम पड़ी धुआं गैस। यदि आपको कंपनी के अंतर्गत इंस्पेक्टर द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि यदि कहीं भी लेबर अगर कार्य करते हैं, यदि गैस है तो उनकी प्रोटेक्शन का पूरा काम किया जाए। सब एग्जांपल, यदि आपके यहाँ किसी भी माइंस का वर्क चल रहा है तो किसी भी डायरेक्ट लेबर को आप उसके माइंस गड्ढे में नहीं उतार सकते, सबसे पहले आपको उसको सिस्टम की जांच करनी पड़ेगी, आपको उसके संबंध में जो भी ऑफिसर्स हैं बुलाने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ सिस्टम क्या है, अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो जो लेबर उठेगा उसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाएगी, अंदर कोई जहरीली गैस है अगर उसको दिक्कत हो सकती है तो उस संबंध में आपको सारी व्यवस्थाओं का कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 37, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द केस ऑफ द फायर ऑफ द केस, आग लगने की स्थिति में। जैसा 1948 के अमेंडमेंट में मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा अमेंडमेंट भोपाल गैस कांड के बाद 1987 में फैक्ट्री एक्ट में बहुत बड़ा सौदा, इसमें फायर ऑफ द सिस्टम के लिए पूरा टोटल अलग सी व्यवस्था की गई। नॉलेज ऑफ द एक ट्रेनिंग ऑफ द ऑल लेबर्स, फायर के संबंध में सभी लेबरों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसके बचाव के संबंध में टोटल वर्क किए जा सकते हैं। सेक्शन 38, प्रिपरेशन ऑफ द केस ऑफ द फायर एंड इन द इफेक्टिव ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम के लिए सेल्समैन डू नॉट लिफ्ट, जैसे आपको इसके संबंध में इंस्ट्रक्शन कंपनी में, जैसे फायर लगी हुई है तो आप लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे तो वो बतानी पड़ेगी। कुछ कुछ फैक्ट्रियों में एक्स्ट्रा आपको दरवाजे लगे हैं, आग लगने की स्थिति में उन्हें आप तोड़ करके बाहर निकल सकते हैं। किसी भी कमरों का निर्माण करते समय उन्हें डबल सिस्टम से किया जाता है, एक ही जाने और आने के रास्ते नहीं है, एक एक्स्ट्रा आपको बनाने पड़ेंगे जो इमरजेंसी पीरियड में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ रिक्वायर स्पेसिफिकेशन डिफाइन ऑफ द पार्ट, सेक्शन 39, डेंजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑफ द डेंजरस पोजीशन, किसी भी मशीन में की स्पेशली पार्ट पर यदि कोई दिक्कत हो प्लांट बिल्डिंग मशीनरी पर, तो इंस्पेक्टर को यह अधिकार है कि वह उसकी जांच कर सकता है, उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट कंपनी को दे सकता है। यदि कंपनी उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती है तो इसके ऊपर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी कर सकता है, वर्कर को इसकी डायरेक्ट सूचना दे सकता है। मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द वर्क 40A के अंतर्गत वह बिल्डिंग देखेगा, अगर उसे लगता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उससे ऑर्डर देगा कि इनकी मरम्मत कर ली जाए, नहीं की जाएगी तो इस बिल्डिंग में रहने कार्य करने वाले लेबर की क्षति से नुकसान होगा, और उसे विद इन टाइम एंड पीरियड दिया जाएगा जिसमें वह कंपनी उस बिल्डिंग की मरम्मत करा सके। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफिस ऑफिसेस वगैरह, तो ऑफिस वगैरह की इमीडिएटली मशीन को वह अगर आप उस कार्य को नहीं कर सकते हो तो ऑफिस में इंस्टॉलमेंट करके उन मशीनों को बंद करने के संबंध में भी ऑर्डर दे सकता है, यह 40B के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है सेक्शन 41, पावर मेक रूल, स्टेट ऑफ द
इंस्पेक्टर को यह पावर दिया गया है कि सेफ्टी मेजर में अगर वह चाहे तो डायरेक्ट लेबर को इस संबंध में इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जैसे डस्ट एंड फ्यूम की कंडीशन में अगर वह इंस्पेक्टर गया, मौके की स्थिति देखा, तो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है कि इन हमारे लेबरों को मास्क वगैरह दिया जाए अच्छे क्वालिटी पर, जिससे सांस लेने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मेन ऑब्जेक्ट यही है कि लेबर हेल्थ इज वेल्थ, अगर वह स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी एक साउंडफुल बेस्ट ऑफ द कंपनी बनाई जा सकती है। ये मेन ऑब्जेक्ट पर इस पर काम करता। आपने मेरे इस हेल्थ के सेकंड पार्ट सेफ्टी को पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल बी कॉम ही लर्निंग एजुकेशनल चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि इस संबंध में जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आपको प्राप्त हो। इस सब वीडियो के संबंध में आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। यदि मुझे आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या सब्जेक्ट संबंधी आपको कोई भी चीज जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, हम उसे समय पर आपकी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।